हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इजी स्टेप्स में हम लोग अम्ब्रेला यानी छाता बना सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्कल, कंट्रोल प्लस प्रेस करके, ताकि हमारा सर्कल परफेक्ट शेप का बने। मैं यहाँ प्लेस करूँगा और सर्कल छोटे छोटे, ताकि हम कर्व दे सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल से प्लेस करके राइट क्लिक करते हैं तो उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। क्या मैंने कई बार डुप्लीकेट करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया है, ये शॉर्टकट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो कि बहुत ही जरूरी है अगर आप करोड़ रुपए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अलाइन कर देते हैं। पहले मैं यहाँ पे सर्कल को थोड़ा सा चपटा कर देता हूँ, क्योंकि हमें कर्व पूरा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा नाइफ टूल का, जिससे हम अननेसेसरी चीजों को कट करें। अब ये अम्ब्रेला जैसा लगने लगा है, अब बस हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। अब मैं यहाँ पर इस कर्व को पकड़कर इसका जो सेंटर है उसको वहां कर दूंगा जहां से ये टर्न करे। सेंटर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वहां पर उस जगह से चीजें मूव करें। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने सेंटर का यूज करके ऐसा किया है। यहाँ पे मैंने राइट पिक किया, इसलिए वो चीज की कॉपी बन गई। फिर हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब हम शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे। हम इसे कलर कर देते हैं। ये अच्छा है। अब यहाँ पे आउटलाइन हम हटा देंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ, जो कि हमारी हमारा हैंडल बनेगा। इसके को राउंड कर देंगे। इसको हम 5 पॉइंट ले लेंगे ताकि थोड़ा थिक लगे। अब हम इसको बैक प्लेस करेंगे। इसके लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इसे एक एक करके ये पीछे चला जाएगा। देख सकते हैं, एक बार और क्लिक करना होगा, कंट्रोल पेज डाउन, ये पीछे चला। इस हैंडल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हमारा अम्ब्रेला रेडी हो रहा है। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें हैंडल ग्रिप चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे यू शेप का यूज करूंगा, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारा हैंडल। आप चाहें तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस शेप को यहाँ प्लेस कर दूंगा और इसे कर्व में क्रिएट कर दूंगा। कर्व करने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल प्लस क्यू, और इसको मैं छोटा कर दूंगा कि दोनों बराबर साइज के नहीं। अब मुझे यहाँ इनको सर्कल करना है, थोड़ा सा राउंड कॉर्नर बनाना, थोड़ा सा ये ठीक है। बट आप चाहें तो यहाँ पर स्मूथ टूल का यूज कर सकते हैं। ये रहा स्मूथ टूल। आप इसे पकड़ के जब क्लिक करेंगे तो जो भी चीजें होती हैं वो कर्व होनी शुरू हो जाती है, स्मूथ होनी चाहिए शुरू हो जाती है। यहाँ पे इसका मैं ब्रश साइज छोटा कर दूंगा ताकि पूरे क्यूब शेप को ये चेंज ना करे, और थोड़ा छोटा। अब देखा आप कर सकते हैं, इसने इस चीज को राउंड शेप दे दिया। इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा क्योंकि तो परफेक्ट नहीं हो। ओके, तो थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर देंगे। ओके, जैसा कि देख सकते हैं हमारा अम्ब्रेला लगभग लगभग रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे सर्कल्स जो बिट्स होती हैं। सी दबा के सेंटर अलाइनमेंट, कलर फिल ब्लैक,
उसके बाद अब हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं हर जगह राइट क्लिक यूज कर रहा हूँ, मतलब इसको वहां ले जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर दे रहा हूँ, वहां पे कॉपी हो जा रहा है। इसकी जगह आप स्पेस बार का भी यूज कर सकते हैं, जहां ले जाकर आप छोड़ेंगे स्पेस बार दबाएंगे वो चीज वहीं कॉपी हो जाएगी। फिर देखिए मैंने दबाया था, अभी मैं दबाता हूँ, ये देखिए उस चीज को आप मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं सिर्फ इस ट्रिक का यूज करके, राइट क्लिक करके। अब जैसा देख सकते हैं हमारा अम्ब्रेला रेडी हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा इसको ही, और थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर शेड भी मैं बनाना चाहूंगा। इसके लिए मैं इसको यहाँ प्लेस करूंगा, कलर फिल टूल का यूज करूंगा, शेप क्रिएट करूंगा और इसको डिलीट, तो कलर इसका डार्क कलर कर दूंगा। जैसे क्या देख सकते हैं, तो इसका मैं आउटलाइन डाल दूंगा और इसको डिलीट। सेम इस साइड में मैं करूंगा, इसको मैं डार्क येलो कर दूंगा, अब हमारा अम्ब्रेला रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा लाइक करिएगा जरूर।